तो जम्मू से जुगल किशोर को टिकट दिया गया है और लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी की पहली लिस्ट जारी हुई है और इस पहली लिस्ट में कुल 195 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है। और आपको साथ ही बता दें कि जो जम्मू कश्मीर से दो नाम सामने आए हैं उनमें से एक नाम जुगल किशोर का है और दूसरा नाम है डॉक्टर जितेंद्र सिंह का। तो उधमपुर से डॉक्टर जितेंद्र सिंह को उम्मीदवार बनाया गया है जबकि जम्मू से जुगल किशोर शर्मा, जम्मू कश्मीर से अभी दो ही सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान किया गया है। तो इस वक्त एक अहम खबर आपको दे रहे हैं, बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट जारी की लोकसभा चुनाव के मद्देनजर। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर, जी हां, 18वीं लोकसभा का जो चयन होना है, 18वीं लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है और इस पहली लिस्ट में कुल 195 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। इनमें से जम्मू कश्मीर से ये दो नाम सामने आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर के लिए अभी दो नामों का ऐलान हुआ है, उनमें से उधमपुर जो सीट है वहां से डॉक्टर जितेंद्र सिंह उम्मीदवार होंगे जबकि जम्मू जो लोकसभा क्षेत्र है वहां से उम्मीदवार होंगे जुगल किशोर शर्मा। तो ये अब जाहिर है कि इन दोनों इलाकों में, यानी कि चाहे वो उधमपुर हो या जम्मू हो, इन दोनों इलाकों में इन नामों के ऐलान के साथ ही वहां पर जो है एक खुशियां मनाई जाने लगी हैं। जो उनके सपोर्टर्स हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उनके जो समर्थक हैं, उनमें खुशी की लहर दौड़ गई है। तो आपको ये बता दें कि उधमपुर से डॉक्टर जितेंद्र सिंह को टिकट दिया गया है और साथ ही साथ जम्मू से जुगल किशोर शर्मा को टिकट दिया गया है। तो बीजेपी ने आज कुल 195 लोकसभा सीटों के लिए नामों का ऐलान किया है और इसमें सबसे अहम बात यह भी है कि प्रधानमंत्री खुद एक उम्मीदवार होंगे और उनकी सीट होगी वाराणसी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से, यानी कि वाराणसी से जो लोकसभा के उम्मीदवार होंगे बीजेपी के, वो है नरेंद्र मोदी। और इसके साथ ही 195 जो लिस्ट में 195 लोगों के जो नाम है, उम्मीदवारों के नाम, उनमें से उत्तर प्रदेश के लिए कुल 51 सीटों का जो है नाम ऐलान किया गया है कि उन 51 सीटों पर कौन कौन होंगे वहां प्रत्याशी। यूपी से 51 सीटों के लिए, पश्चिम बंगाल से 26 सीटों के लिए, मध्य प्रदेश से 24 सीटों के लिए नामों का ऐलान किया गया, गुजरात से 15 सीटों के लिए नामों का ऐलान किया जा रहा है और जम्मू कश्मीर से जो सीटों का ऐलान है वो है जुगल किशोर शर्मा का। और इस वक्त आप हम सीधे सुना रहे हैं कि रविंद्र रैना कुछ कह रहे हैं। नरेंद्र भाई मोदी जी, अमित शाह जी, गृह मंत्री जेपी नड्डा साहब और शीर्ष नेतृत्व का आभार प्रकट करना चाहता हूं।